अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए किसानों ने सौंपा ज्ञापन। हमें आज आवेदन इनके द्वारा दिया गया है ज्ञापन के रूप में, इसकी मैं जांच करके नियमानुसार कार्रवाई के लिए तत्काल देखेंगे। कितने दिन लग जाएंगे सर? जांच रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद इसमें कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सतना जिले के अंतर्गत मैहर तहसीलदार जितेंद्र कुमार पटेल को किसानों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन के लिए सौंपा गया ज्ञापन। किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे खेतों से टावर लाइन का जाल बिछाया गया है, लेकिन उसका उचित मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए हम कई महीनों से लगातार उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। टावर में जो हमारे पिपरा बरवंड में चढ़े थे, आज तक 2 महीने का आश्वासन दिया गया था कि आप टावर से उतर आइए, 2 महीने के अंदर आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। आज 13 महीने हो गए, हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ। लेकिन हम किसानों को मुआवजा न दिए जाने के पश्चात हम अनिश्चितकालीन हड़ताल 5/9/2023 से SDM कार्यालय के सामने बैठेंगे। किसानों ने बताया कि इसके पूर्व भी SDM साहब सुरेश जाटव को ज्ञापन दिया जा चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाल में मैहर कचहली प्रांगण के सामने कल से भूख हड़ताल में बैठेंगे और इस जो हम लोग कुछ होगा इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हम टोटल गरीब किसान है। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जो आज 27 करोड़ रुपए मतलब सांसद द्वारा आज जो दिल्ली हाई लेवल की मीटिंग की गई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को 13,42,00,000 रुपए मैहर से टावर प्रभावित गरीब किसानों का पैसा तत्काल 2-3 महीने के अंदर बट जाएगा, लेकिन आज 13 महीने से नहीं बटा, इसलिए अब हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। अब नहीं, हमारा टावर हटाया जाए, नहीं हम लोगों का टावर हटाया जाए या हम लोगों को पैसा दिया जाए या तो हम लोगों को मरवा दिया जाए।